एमएस वगीर की कर लेते हैं। ये नौसेना की पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो नौसेना को हासिल हो गई है। इस पनडुब्बी को सेवा में शामिल किए जाने से नौसेना की लड़ाकू क्षमता ऐसे वक्त में बढ़ने वाली है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए समंदर में उतरने को तैयार है आईएनएस वगीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसे नौसेना में कमीशन किए जाने पर आईएनएस वगीर नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 स्वदेशी सबमरीन तैयार की जा रही है, जिनमें से ये पांचवी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना का हिस्सा है। इसी क्लास की 4 और पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खांडेरी और आईएनएस वेला पहले से ही इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसी श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी वक्षीर पर भी काम तेजी से चल रहा है, जो जल्द ही नौसेना के सुपुर्द कर दी जाएगी। 1 फरवरी से वगीर का ट्रायल शुरू हुआ था और इसने वक्त पर सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। आईएनएस वगीर 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची पनडुब्बी है। ये पानी के अंदर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। खास बात यह है कि एडवांस तकनीक से लैस ये पनडुब्बी पानी के अंदर दुश्मन की टोह लेने में माहिर है। यकीनन आईएनएस वगीर के आने से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं को एक और मजबूत प्रहरी मिला है। अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।